पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बंडेल बाजार में तृणमूल कांग्रेस ने एक पथ सभा की। सभा में उपस्थित वरिष्ठ नेता सुबोध घोष जीवन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के राज्य युवा संख्या लघु के सह सभापति शकील अंसारी ने कहा कि जनता पूछ रही है कि मोदी जी अच्छे दिन कब आ रहे हैं, काले धन कब आ रहे हैं, बैंक में कब पैसा जमा करवा रहे हैं। जनाब शकील अंसारी ने यह भी कहा कि यह बंगाल है, माँ माटी मानुष की सरकार है। सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कह दिया कि 34 वर्षों से जनता परेशान थी, माकपा के कारनामों उसे बीबी ने जड़ से उखाड़ कर फेंक ही दिया। जनता की खुशी के लिए अब भाजपा अच्छे दिन का दावा करके नोटबंदी, काला धन, तीन तलाक व गौ हत्या जैसे मामले को रखकर राजनीति कर रही है। शकील ने कहा कि भाजपा जो सांप्रदायिक दंगा लगा रही है, इसी के प्रतिवाद में पद सभा की गई है और भारत छोड़ो के नारे लगा रही है। और आदिवासी आने के लिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारत वर्ष में एक माहौल बना है, दान दान दंड दे जैसे भी भारत वर्ष में एक सांप्रदायिक शक्ति जहर करने के लिए मगरबी मैदान में अपने पैर को फैलाने के लिए ऑल इंडिया बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हम लोगों ने देखा क्या इन लोगों ने पहले गाय के नाम पे राजनीति किया। गाय हमारी माता है, गोवा और मणिपुर भारत में नहीं आता है। यहाँ पर भारत वर्ष में इसने गाय पर पाबंदी लगाया, यहाँ गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार रहते हुए भी गोवा और मणिपुर की प्रधान मुख्यमंत्री कहते हैं कि गोवा और मणिपुर में बीफ उपलब्ध है, जितना चाहे बीफ खाइए। इसीलिए मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कि गाय हमारी माता है और गोवा मणिपुर भारत में नहीं आता है। खाने के चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, दाल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज महंगाई कहाँ चली गई है? इसमें एक समय ये कहा था अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, बैंक में 15 लाख रुपया डुबाएंगे। आज देश की जनता पूछना चाहती है, मोदी जी ये अच्छे दिन कब आएंगे? 15 लाख रुपया हम कब पाएंगे? ये जन धन का अकाउंट जो आपने खोल रखा है उसमें 15 लाख रुपया कब घुसेगा? मोदी जी ये अच्छे दिन कब आएंगे? बोलते हैं जब करण अर्जुन आएंगे तब अच्छे दिन आएंगे। भाई करण अर्जुन तो राकेश रोशन का फिल्म में आया था, करण अर्जुन आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। तब तक हम लोग क्या करेंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाएंगे। अब हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे। अच्छे दिन आने वाले नहीं है। पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, जो पेट्रोल 55 रुपया लीटर था आज वही पेट्रोल 75 रुपया लीटर हो गया है। आज संघियों का मुंह बंद है। एक शक्ति भारत में जो आरएसएस द्वारा चलाया जा रहा है कर रही है और किसी भी वक्त इस तरीके से उन्होंने बहादुरिया और बसीराट में दंगा लगाने का चेष्टा किया था और कई जीवों में दंगा लगाने का हम बहुत कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और We'll be right back.